हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको 5 ऐसी कंपनी बताऊंगा जो आने वाले समय में ब्लास्ट हो सकता है, बहुत तेजी से भाग सकता है। तो आप लोग इन 5 कंपनी में पैसा लगा के भूल जाइएगा, हर साल आपका पैसा आराम से डबल हो जाएगा। और डबल ही नहीं होगा भाई, ये सब कंपनी जब चलना स्टार्ट करेगा तो 21 साल में 200, 300, 400, 500, 600% का रिटर्न बना के दे सकता है। तो आप लोग जो भी पैसा लगाइएगा और लॉन्ग टर्म के लगाइएगा, आने वाले 5-10 सालों में आपका पैसा कई गुना कर देगा। और आप लोग जो भी पैसा लगाइए वो क्वालिटी कंपनी में लगाइए। इस समय सभी स्टॉक चल रहे हैं, गधे घोड़े सभी रिटर्न बना के दे रहे हैं, तो सोच समझ के पैसा लगाइए, वरना आप 2-3 साल बाद परेशान भी हो सकते हो। तो आप सबसे ज्यादा जो पैसा लगाइए वो क्वालिटी कंपनी में लगाइए, क्योंकि क्वालिटी कंपनी का शेयर आपको रिटर्न बना के देगा ही देगा। और मेरा मानना है कि अगर आपका कैपिटल सेफ है तो आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न बना लोगे, लेकिन आपका अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो आप लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न बना पाओगे। तो आप लोग रिटर्न के पीछे मत भागिए, अच्छी कंपनी के पीछे भागिए, अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनी के पीछे भागिए। और छोटी छोटी कंपनी पैसा भी लगाते हो तो 2-4-5 हजार रुपया, 10 हजार रुपया, 15 हजार रुपया, इतना काफी है भाई। कई लोग आप लोग को बोलेंगे कि छोटी कंपनी में बड़ा पैसा लगा दीजिए, रातों रात अरबपति बन जाइएगा। तो देखो, पैसा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब पैसा फंस जाता है भाई ना, तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। आप अगर मार्केट में 10-15 साल, 20 साल टिक भी जाइएगा ना, तो आप पैसा बना लोगे, लेकिन आप टिके ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो आपका पैसा कैसे बनेगा। तो टिके रहने के लिए आप लोग सबसे पहले क्वालिटी कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं जिस कंपनी को चूज किया हूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल वाइज बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है। और मैं इस कंपनी पे आज से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोविड के पहले से वीडियो बना रहा हूँ। उस समय से ये कंपनी 5-6 गुना हो चुका है, और फिर से डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्राइस 20-22 हजार हो जाएगा। और जो लोग भी 200-300% रन बना रहे हैं, 400% रन बना रहे हैं, तो भैया आप लोग एक भी शेयर सेल मत कीजिएगा, परेशान होकर बेचिएगा मत, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्राइस फिर से 20-22 हजार होगा। और तुरंत नहीं होगा, कोविड के पहले जब मैं बोला करता था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी 200-300% रन बना के देगा, 400% रन बना के देगा, एप्पल इंडिया 200-300-400% रन बना के देगा, तो आप लोग को यकीन बिल्कुल भी नहीं था। और आज के डेट में देख लो, ये सब स्टॉक कहां से कहां चले गए। एप्पल इंडिया में फिर से ब्रेकआउट भी हो चुका है, फिर से एप्पल इंडिया का प्राइस 6,000 का हो जाएगा। और आप लोग एप्पल इंडिया के बारे में पढ़िए कि कंपनी करती क्या है, सिर्फ वैल्यूएशन मत देखिए कि बहुत महंगा स्टॉक है। वैल्यूएशन देखने जाइएगा तो आप पैसा कभी नहीं लगा पाइएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी का वैल्यूएशन देखने जाइएगा तो आप पैसा कभी नहीं लगा पाइएगा। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखने जाइएगा तो पैसा कभी नहीं लगा पाइएगा। बजाज फाइनेंस 7.5 साल पहले, 8 साल पहले ही महंगा था, जब 13-14 हजार करोड़ का मार्केट कैप था, और आज भी महंगा है। पीडी लाइट जब मैं बिगनर था तब भी महंगा था, आज भी महंगा है। 9-10-11 साल पहले ही महंगा था, आज भी महंगा है। तो महंगा सस्ता के पीछे मत भागिए। आपको अगर बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी लगती है तो पैसा लगा दीजिए, एस्ट्रल पाइप अच्छी कंपनी लगती है तो पैसा लगा दीजिए। जो महंगा स्टॉक है भाई ना, और भी महंगा होता ही चला जाएगा। बजाज फाइनेंस 7.5 साल पहले, 8 साल पहले ही महंगा था, आज भी महंगा है, स्टॉक चल ही रहा है। किसी भी प्राइस पे खरीद लो बजाज फाइनेंस को, आपका पैसा बन जाएगा। और आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को किसी भी प्राइस पे खरीद लो, आपका पैसा बनेगा ही नहीं। 7 साल पहले भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस 70 रुपया था, आज भी वही है। पता नहीं कब नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनेगा, और जब ब्रेकआउट होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तब जाके वो रिटर्न बना के देगा। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में वैसी कंपनी को जगह दीजिए जो अपने दम पे रिटर्न बना के दे। फॉर एग्जाम्पल डिक्सन टेक्नोलॉजी, एप्पल इंडिया, पॉलीकैब, रिलैक्सो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एलएनटी इन्फोटेक, मिंडा इंडस्ट्री, ये सब कंपनी अपने दम पे रिटर्न बना के देता है। आप जैसी कंपनी खरीदिएगा ना, रिटर्न भी आपको वैसे ही मिलेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो आया था वो 6 सितंबर 2017 को आया था, 1766 रुपए के प्राइस पे आया था, और लिस्टिंग 2500 रुपए के आसपास हुआ था। और उसके बाद ये स्टॉक 3000 रुपए तक गया था, और फिर से ये स्टॉक 2000 रुपए तक चला गया था, और 2000 रुपए से 4000 रुपया, और 4000 रुपए से 3000 रुपया, और 3000 से 20-22 हजार रुपए तक चला गया था। और जब आईपीओ आया था भाई ना डिक्सन टेक्नोलॉजी का, तब भी महंगा था, सस्ता नहीं था। तो देखो ये कंपनी 3 साल में कितना टर्न बना के दिया है, तो देखो 3 साल में टर्न है वो 1131% टर्न है। और ये 1131% टर्न कौन बनाए, जो लोग खरीद के बैठे हुए थे वो लोग कभी नहीं बना पाएंगे रिटर्न, जो लोग 50% 100% प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लिस्टिंग तो धमाकेदार हुआ, उसके बाद एक साल तक खूब स्टॉक परेशान किया, लेकिन जब चलना स्टार्ट किया तो 4000 से
20-22 हजार रुपए तक चला गया था। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन हो गया और फिर से डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्राइस 20-22 हजार हो जाएगा। और कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद इस कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ था। कई लोग मुझे कमेंट करते थे कि मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजी में 5% का नुकसान हो रहा है, 25% का नुकसान हो रहा है, 30% का नुकसान हो रहा है। तो भैया कोई कंपनी अगर एक डेढ़ साल में ही 500-600% बना के देगा, 1000% बना के देगा, तो उसमें करेक्शन होगा ही होगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा अगर आप लोग मल्टीवे स्टॉक खरीदते हैं तो। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। दूसरी जो मैं कंपनी चूज किया भाई, उसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस। आप सभी लोग SBI लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे और मुझे ये भी पता है कि आपके पोर्टफोलियो में SBI लाइफ का शेयर होगा ही नहीं। तो देखो भाई, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड, ये सभी कंपनी का प्राइस 10,000 हो जाएगा। ये सब स्टॉक जितने दिन नहीं चलेंगे उतने दिनों का रिटर्न 6 से 8 महीने में बना के दे देगा। और ये सभी के सभी मल्टी वगैरह स्टॉक है और क्वालिटी कंपनी में जब पैसा बनना स्टार्ट होता है भाई ना, तो रुकता नहीं है, सीधे 5-6 गुना हो जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड, तो ये सब स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और इन सब कंपनियों का बिजनेस ही 25-30 साल वाला है। आपके जाने के बाद भी SBI लाइफ का शेयर रहेगा, HDFC लाइफ का शेयर रहेगा, ICICI प्रूडेंशियल का शेयर रहेगा। ये सब कंपनी आपके जाने के बाद भी रहेंगी। इन सब कंपनियों में आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। और अगर आप लोग SBI लाइफ को नहीं खेलना चाहते हो, HDFC लाइफ को नहीं खेलना चाहते हो, आपको अगर लगता है कि बहुत धीरे रिटर्न बना के देता है, तो आप लोग CDSL को खरीद सकते हो। वो स्टॉक इस समय चल भी रहा है। तीसरी जो मैं कंपनी चूज किया भाई, उसका नाम है APL अपोलो स्टील पाइप। मैं इस कंपनी पे बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि ये कंपनी इतना रिटर्न बना के देगा, इतना रिटर्न बना के देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और आप लोग इस कंपनी को मल्टी बैगर स्टॉक के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए और इस कंपनी के बारे में पढ़िए कि कंपनी करती क्या है, इनके जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे यूज होता है। और जितनी भी हॉस्पिटल वाली कंपनी है सभी में पैसा बनेगा। और APL अपोलो एक खतरनाक मल्टी बैगर स्टॉक है। APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड अब तक किस रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 7,098.95% है, 67% है, 272.27% है। और ये स्टॉक किस तरह से चलता है आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। ये स्टॉक सिर्फ चलता ही नहीं भाई, अच्छा खासा करेक्शन भी होता है, 1.5-2 सालों तक बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो कई लोग तो यहाँ पे बेच दिए होंगे। तो जो लोग भी बेच दिए, 1-1.5 साल स्टॉक नहीं चला तो आज जो पछता रहे होंगे, 1.5-2 सालों से स्टॉक चल ही रहा है, कहां से कहां चला गया। 3 साल का टर्न देख लो भाई, 3 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है। जो लोग बेचे होंगे वो पछता रहे होंगे। तो देखो 3 साल में टर्न है वो 728.06% है, 67% है, 68.52% है। 1 ईयर का टर्न देख लो, 1 ईयर में 103.56% है। तो आप लोग APL अपोलो में पैसा लगाइए। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। चौथी जो मैं कंपनी चूज किया भाई, उसका नाम है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। ये एक मल्टीवे स्टॉक है जिससे मैं आने वाले समय में कई बार वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है भाई। शेयर का प्राइस 5-10 हजार भी हो सकता है। तो आप लोग पैसा लगाइए, और आप लोग पहले से पैसा लगा के रखे या फिर आपको IPO में शेयर मिला है तो भैया एक भी शेयर सेल मत कीजिएगा। 10 सालों में 10 गुना पक्का हो जाएगा। अनुपम रसायन का अभी जो प्राइस चल रहा है 1,045 रुपया, शेयर का प्राइस 5-10 हजार का हो जाएगा। और आप लोग SNST में पैसा लगाइए, डरिए मत कि लोअर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया। SNST फर्स्ट टाइम लोअर सर्किट नहीं लगेगा, इससे पहले भी कई बार लग चुका है और छोटी कंपनी है तो सही चलेगा। पांचवी जो मैं कंपनी चूज किया भाई, उसका नाम है खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। अभी ये बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है और एक ब्रेकआउट शेयर है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। 3 साल का रिटर्न देख लो, 768.35% है। 1 ईयर का रिटर्न देख लो, 1 ईयर में 230.38% है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा भाई
आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। मार्केट कैप जो है वो 886 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 1000 करोड़ का ही मार्केट कैप नहीं है। तो भैया छोटी कंपनी है तो छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो बजाज फाइनेंस में बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिलैक्सो में बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, पॉलीकैब में बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन ये सब कंपनी में आप लोग छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जीरोधा और अपस्टॉक का। अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। जो भी लोग मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे उनको इंटरनेट टिप्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।